हेलो एवरीवन, फाइल हैंडलिंग एंड सी के कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ाते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि हम मिक्स डेटा के साथ फाइल हैंडलिंग में कैसे काम करेंगे। मिक्स डेटा का मतलब होता है कि अगर हमारे पास जो डेटा जिसका हम काम करने वाले हैं, अगर वो इंटीजर भी है, समहाउ वो कैरेक्टर भी है, वो स्ट्रिंग भी है, तो इस तरह के डेटा के साथ हम कैसे काम करेंगे। लास्ट की वीडियोज में हमने डिस्कस किया था कि हम इंटीजर डेटा के साथ कैसे काम करते हैं, हम कैरेक्टर डेटा के साथ कैसे काम करते हैं या हम स्ट्रिंग डेटा के साथ कैसे काम करते हैं, बट एवरी टाइम हमने सिंगल टाइप के डेटा के साथ ही काम किया था। यहाँ हम देखेंगे कि हम मिक्स डेटा टाइप के साथ कैसे काम करेंगे फाइल हैंडलिंग। इसमें हम एक प्रोग्राम क्रिएट करने जा रहे हैं। इस प्रोग्राम में हम दो तरह के डेटा के साथ काम करेंगे। हम स्टूडेंट के लिए एक प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हैं जहाँ हम उसका रोल नंबर और उसका नाम इनपुट करेंगे, क्योंकि रोल नंबर इंटीजर फॉर्मेट में होगा और नाम जो है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा। तो यहाँ हम देखेंगे हम इंटीजर और स्ट्रिंग दोनों के साथ एक साथ कैसे काम करेंगे फाइल हैंडलिंग में। तो हमने देखा था कि फाइल हैंडलिंग में जब हम मिक्स डेटा के साथ काम करते हैं तो हम दो फंक्शंस यूज करते हैं, एफ प्रिंट एफ और एफ स्कैन एफ। एफ प्रिंट एफ का यूज करते हैं हम डेटा को राइट करने के लिए फाइल में, और स्कैन एफ का यूज करते हैं रीड करने के लिए फाइल से। तो यहाँ देखिए, हमने आपको पता है हैश इंक्लूड stdio.h और conio.h हमने यूज किया है, मेन यूज किया है। देन आफ्टर हमने वेरिएबल इंटीजर डिक्लेयर किया है रोल फॉर रोल नंबर, एंड जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के डेटा हमको इनपुट करने हैं उसके लिए हमने एन वेरिएबल डिक्लेयर किया है। आई लूपिंग के लिए है, जितने वेरिएबल का नाम आप इनपुट करेंगे, स्टूडेंट का नाम आप इनपुट करेंगे, डेटा आप इनपुट करेंगे उसके लिए एक लूपिंग लगाएंगे, तो उसके लिए हमने आई यूज किया है। फिर हमने कैरेक्टर टाइप का एक एरे डिक्लेयर किया है, नेम जिसकी साइज है 20, दैट मीन्स एक स्टूडेंट का नाम मैक्सिमम 20 कैरेक्टर्स हो सकता है। हमने फाइल पॉइंटर लिया है एफपी, जो कि फाइल की लोकेशन होगी। क्लियर स्क्रीन यूज किया है जस्ट टू क्लियर द स्क्रीन बिफोर एंटरिंग एनी डेटा। एफ पी इक्वल्स टू एफ ओपन, ये फाइल को ओपन करेगा जिस फाइल के साथ हमको काम करना है। तो हमने फाइल का नाम दिया है stu.txt और उसको राइट मोड में ओपन किया है, दैट मीन्स हम फाइल को राइट कर सकते हैं। इन केस अगर आपकी फाइल नहीं ओपन हुई है और आपने फाइल को राइट मोड में ओपन किया है तो वो फाइल क्रिएट हो जाएगी, और अगर पहले से बनी हुई फाइल है तो कंटेंट ओवरराइट हो जाएंगे। ओके, उसके बाद हमने फाइल को ओपन कर लिया, फाइल का एड्रेस एफपी में स्टोर हो गया है। देन हमने एक मैसेज डिस्प्ले किया है, एंटर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स का आपको रिकॉर्ड इनपुट करना है वो आप स्कैन करेंगे। तो स्कैन एफ परसेंट डी एम परसेंट एन, तो आपको एक स्टूडेंट का इनपुट करना है, दो स्टूडेंट का इनपुट करना है, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। फिर हमने लूप लगाया है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो जीरो से लेके लेस देन एन तक हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड इनपुट करेंगे, और उस रिकॉर्ड में क्या होगा, रोल नंबर और नेम। तो हमने एक मैसेज दिया है, एंटर द रोल नंबर एंड नेम ऑफ द स्टूडेंट। मैसेज आने के बाद आपको वैल्यू इनपुट करनी है, तो ऑब्वियसली स्कैन एफ के थ्रू हम वैल्यू को इनपुट करेंगे। परसेंट डी रोल नंबर के लिए है और परसेंट एस नेम के लिए है। रोल नंबर इंटीजर है, स्कैन एफ में एम्परसेंट लगाना कंपलसरी है, बट अगर आप स्ट्रिंग के साथ काम करते हैं देयर इज नो नीड टू राइट एम्परसेंट बिफोर द नेम ऑफ द वेरिएबल। तो हमने नेम के साथ एम्परसेंट मार्क को यूज नहीं किया है। अब जो कंटेंट हमने इनपुट दिया वो कंटेंट अब फाइल में राइट करना है, तो फाइल में राइट करने के लिए हम यूज करते हैं एफ प्रिंट एफ। एफ प्रिंट एफ फाइल में कंटेंट को राइट करेगा जो आपने कीबोर्ड के थ्रू इनपुट किए हैं। कहाँ जाएगा, उसमें तीन आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। पहला एफ पी फाइल पॉइंटर, जिसके आप जिस फाइल में आपको राइट करना है। फिर जिस तरह का डेटा है, लाइक परसेंट डी और परसेंट एस, दो तरह का डेटा है, और वो पहला रोल नंबर के लिए है और दूसरा नेम के लिए। और फिर हमने फाइल को कर दिया क्लोज, क्योंकि अब राइट मोड में फाइल हो गई खत्म। जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड आपको चाहिए उतनी बार ये लूप वर्क करेगा, आफ्टर दैट आपकी फाइल हो जाएगी क्लोज। अब फाइल को ओपन करेंगे रीड मोड में ताकि कंटेंट्स को रीड करें और स्क्रीन पे डिस्प्ले करें। तो उसके लिए हमने फाइल को फिर से ओपन किया है। अब फाइल ओपन हुई है हमारी रीड मोड में आर, ठीक है। रीड मोड में ओपन होने के बाद एक मैसेज डिस्प्ले किया है, रोल नंबर नेम ऑफ द स्टूडेंट्स आर, कोई भी एक मैसेज आप डिस्प्ले करवा सकते हैं। फिर हमने एक व्हाइल लूप लगाया है, यहाँ पे देखिएगा हमने लिखा है नॉट एफ ई ओ एफ एफ पी। एफ ई ओ एफ एक फंक्शन होती है, इसका मतलब होता है फाइल एंड ऑफ फाइल, यानी कि ये फाइल के एंड तक कंटेंट्स को राइट करेगा। यानी नॉट लगाया है शुरू में, एफ पी फाइल को रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब जब तक आप फाइल के एंड तक नहीं पहुंच जाते तब तक आप इनसाइड कंटेंट्स को इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कराएंगे। तो शुरू में तो ऑब्वियसली आप फाइल के एंड में नहीं होंगे, तो आपने किया एफ स्कैनर। एफ स्कैनर फाइल से कंटेंट को रीड करेगा,
सेम आर्ग्यूमेंट्स होंगे जैसे एफ प्रिंट एफ के होते हैं, तो यहाँ एफ पी यूज किया परसेंट डी रोल नंबर के लिए, परसेंट एस है नेम के लिए, क्योंकि स्कैन एफ है तो एम परसेंट लगेगा रोल नंबर में बट नेम में नहीं लगेगा। जब स्कैन हो गया तो स्कैन होने के बाद डिस्प्ले करवाना है, रीड हो गया कंटेंट, अब उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करना है तो प्रिंट एफ के थ्रू आप स्क्रीन पर डिस्प्ले कराएंगे। परसेंट डी यूज किया हमने रोल नंबर के लिए, स्लैश टी टैब छोड़ेगा ताकि स्पेसेस दिखे आपको रोल नंबर और नेम के बीच में, तो दो टैब छोड़े हैं। फिर परसेंट एस नेम के लिए, फिर एक न्यू लाइन दिया है कि अगला अगर स्टूडेंट का डिटेल होगा तो वो नेक्स्ट लाइन पे डिस्प्ले होगा। फिर हमने इस फाइल को भी क्लोज कर दिया और गेट सी। तो इस तरह से आपने कंटेंट को राइट किया और फिर कंटेंट को रीड किया और स्क्रीन पे डिस्प्ले कराया। अब एक बार कंपाइल करके देखते हैं, तो एल्ट एफ नाइन नो एरर, कंट्रोल एफ नाइन, यहाँ हो रहा है इंटर नंबर ऑफ स्टूडेंट। सपोज आपको तीन स्टूडेंट्स के रोल नंबर इनपुट करने हैं, डिटेल इनपुट करनी है, तो मैंने लिखा थ्री, तो आ रहा है एंटर रोल नंबर ऑफ नेम ऑफ स्टूडेंट, मैंने पहले स्टूडेंट का डाला और उसका नाम डाला, ठीक है, दो ही हमारे पास इनपुट थे। फिर दूसरे स्टूडेंट का डालना है, मैंने रोल नंबर डाला, मैंने नाम डाला। फिर तीसरे स्टूडेंट के लिए आया, मैंने रोल नंबर डाला, फिर मैंने नाम डाला। अब जैसे मैं एंटर करूंगी, तीन तो हो गए, अब कंटेंट रीड होंगे और स्क्रीन पे डिस्प्ले होंगे इस तरह, ठीक है। तो इस तरह से आपका डेटा जो है वो स्क्रीन पे आप फाइल पे राइट भी हुआ, देन फाइल से रीड हुआ। अब ये तो इसमें दिख रहा है, अब हम एक बार देखते हैं कि एक्चुअली क्या वो डेटा फाइल में राइट हुआ है। फाइल का नाम है stu.txt। यहाँ हम देखते हैं सी ड्राइव में टर्बो C3 के अंदर बिन में हमारी फाइल बनी है। फाइल है stu.txt, फाइल को ओपन किया, आप देखेंगे ये तीनों नाम यहाँ पे स्टोर हो चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप मिक्स्ड डेटा टाइप के साथ काम कर सकते हैं फाइल हैंडलिंग में। आई होप आपको सब समझ में आया होगा, एनी डाउट आप कमेंट कर सकते हैं, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।